कितने में बिक गया ये? ये बोलो तो ना माती ना गायची माती खाना मानो नहीं मन लाए मी मंग दादा हाँ किसने आपने खरीदा क्या क्या रेट बताया था आपने रेट तो भाई साहब बताए थे 1.25 लाख रुपए अब देख कितने में दिया है अभी अरे यार वो भाई साहब नहीं माने इन्होंने कहा बोले हमारे अपने बंदे 65,000 का दिया जबरदस्ती डीलिंग हो गई जबरदस्ती नहीं कुछ गाड़ी के भाड़ा वाड़ा भी देना अच्छा देना देना इसलिए भर्ती करके बेच दो अच्छा पहला घोड़ा बेचा है तो बोनी कर दी एक तरीके से इसलिए करी कि गाड़ी का कुछ भाड़ा फाड़ा बच्चा ने बिका एक बच्चा उन्होंने दे दिया है वाचिप अच्छा अब लग गया है ना किसान समझ के दे दिया क्या उम्र क्या है इसकी अरे उम्र क्या भाई साहब 1.25 साल कितनी उम्र है इसकी कितनी उम्र का 1.5 साल का है गाड़ी करेंगे एक आदमी गाड़ी में आएगा घोड़े को नीचे उतार देगा पैसे लेके वापस आ जाएगा यहाँ से 100 किलोमीटर घोड़ा जाएगा 150 नहीं आज से 80 किलोमीटर जाना पड़ेगा सब एडवांस नहीं सब पैसे ले लो धोखाधड़ी की बात नहीं, नहीं। हमारे और उनका भी 500 किलोमीटर का अंतर है हम इधर के ही इधर घोड़ा पैसे यहाँ दे के आप जा रहे हो नहीं 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 ये खाली मेले में आए घोड़ा उतारो आपके पैसे नगर के इधर आदमी भी घोड़ा उनको घोड़ा संभालना आता नहीं घोड़ा उतार के नहीं ये कहना चाह रहे कि आप अपना एक लड़का इनकी गाड़ी में साथ में भेज देना वहाँ जैसे ही घोड़ा उतरेगा वैसे ये पैसे दे देंगे तो कुछ तो 10-20 हजार तो यहाँ कुछ तो कुछ तो पैसे देंगे नहीं इधर कुछ थोड़ा बहुत तो देना वो पहुंचवा देंगे आदमी तुम्हारा बंदा छोड़े आएगा तुमना एक गड़ी पर तपाटो ना पड़े पता हमने एक बंदा भेज देंगे हम तुम्हारे साथ मगर यहाँ भैया पैसे का कोई टेंशन नहीं लेने का 1 रुपया तुम्हारा घर पहुँचा जाएगा सगळ्यात कल्याण म्हणजे एकदम काळा वांडा आहे तो पहले भी आप घर में घोड़े वगैरह रखते हो क्या यानी कि पहले से भी घोड़े वगैरह रखते थे हम पहली बार खरीदा है पहली बार खरीदा तो एक कैसे शौक लग गया आपको एक साथ छोटे बचपन से लग जाता है शौक लगता है शौक लगता है तो घोड़े के बारे में सब चीज जानते हो यानी कि सटाना से हम सटालाना से यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से 80 किलोमीटर नगर के हमने उधर लिए तो आपको रेट क्या बताई थी इन्होंने पहले घोड़े की 1.5 लाख रुपए समझ के हमारे रिश्तेदार जैसे 65,000 रुपए में आप डन कर दिया ये हमारे रिश्तेदारी है अच्छा रिश्तेदार है जिन्होंने खरीदा है ओके इसको घोड़े की पहचान इसकी वजह से उनको बुलाया तो अब यानी कि आप शौक से रखोगे इसको घर में शौक से घोड़े की सब मैती खोड़ी नड़ी अच्छा इसने बुलाया मेरे को यानी आप घोड़े के बारे में सब कुछ जानते पहचानते हो गए पूरा साफ सुथरा है बच्चा चाल चलेगा काटेगा ओ तेला है ना मां नंबर आप चाल के लिए लिया है मैं चाल के घर के लिए शौक के घर के नंबर ध्यान लाना बोल से कोई नाव ढेलो ना मां दे गया मां दे मी पैसे नंबर बोला तुम सर क्या ला दिल ले मतलब साहब बोले